ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूं रामदेव पर केवल को ही नहीं, सभी डॉक्टर्स को मुकदमा करना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूं, बल्कि देश के लोगों को मुकदमा करना चाहिए। अगर हिम्मत थी तुम्हारी और तुम बिल्कुल सही थे, तो जो बयान दिया था उसी बयान को रखना था ना, उसी बयान पर कायम रहते ना। कहते कि नहीं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, उसे सिद्ध करके दिखाते। लेकिन ये रामदेव इस तरह का व्यक्ति है कि जिसने बार 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 इस देश के लोगों का अपमान किया और हंस रहा है, कह रहा कि ले सिलेंडर, कहा तेरे अंदर जो दो सिलेंडर है ले ले जितनी ऑक्सीजन भरनी है, बाहर कह रहा जो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है और ये नहीं है, सिलेंडर नहीं है। मैं कहां भाग रहा है बाबरे, क्यों आरएसएस सपोर्ट करता है, क्यों बीजेपी उसको सपोर्ट करता है, उसको क्यों सिक्योरिटी दी हुई है? अगर वो ऐसा ही सब कुछ है, इतना ही बड़ा वो है, ज्ञानी है और सब बड़ा धर्मात्मा बनता है, क्यों सिक्योरिटी की जरूरत है उसे? और डॉक्टरों को एक तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है, साइंटिस्टों को मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक नासमझ व्यक्ति जो धर्म का चोला पहन के लोगों को लगातार कई सालों से गुमराह कर रहा है, वो व्यक्ति इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा है और देश इस सब चीज को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। अगर आप बात कोई कह रहे हैं तो आपकी बात का कोई आधार होना चाहिए, आपकी कोई रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। कोई स्टडी है रामदेव की, लाला रामदेव की कोई स्टडी है? उस पे कहीं कोई भी इस तरह की कोई रिसर्च वगैरह कहीं कुछ है? कुछ नहीं है। और इस तरह से एलोपैथी का अपमान करना, मैं समझता हूं एक व्यक्ति को अपने गिरेवान में झांक के पहले देख लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम खुद एलोपैथी की तरफ भागते हो, तुम्हारे साथ में वो तुम्हारा साथी है बालकृष्ण, जब उसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो वो एम्स में भागा, भागा नहीं भागा एम्स में, एम्स में इलाज कराया, उसके लिए भी यही इलाज कर लेना था, आयुर्वेद में इलाज कर लेना था, क्यों भागे तुम उसको लेके? तुम गाड़ियों में चलते हो तो विदेशी गाड़ियों में चलते हो, और जो नारा देते हो स्वदेशी का नारा देते हो, धर्म को धंधा बनाकर तुमने इस देश का मतलब इतना शोषण किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कह रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि जो कोरोना से जो बीमारी है उस बीमारी से इतने लोग नहीं मरे, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग नहीं मरे जितने लोग एलोपैथी की दवाई से मर गए हैं। कौन सी रिसर्च है आपकी जो एलोपैथी की दवाई से मर गए हैं लोग? हालांकि यह बात जरूर है कि लोग मरे कैसे नहीं है, जो मरे हैं लोग किस तरह से मरे हैं लोग, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया, लोगों को प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाई, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, आईसीयू बेड नहीं मिल पाए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ये सब सरकार की नाकामयाबी हैं, इसमें एलोपैथी का कुछ वो नहीं है। हां, हो सकता है कि जिन लोगों ने इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लिए बिना ही जो व्हाट्सएप पे चल रहा है उसी को ना समझी में इस्तेमाल किया हो और उससे दिक्कत हो गई हो, उससे हालत बिगड़ गई हो, यह तो हो सकता है, यह तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिया है, मैं नहीं मानता कि उसे कहीं कोई दिक्कत आई। मैं खुद इस बात के लिए मैं आपके सामने हूं, मैं केवल मैं नहीं हूं, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरे छोटे भाई, इनको कोरोना हुआ, मेरे छोटे भाई की जो सिस्टर इन लॉ है उनको कोरोना हुआ, उसकी मदर इन लॉ को कोरोना हुआ, सबने ट्रीटमेंट लिया, सब बिल्कुल ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। तो ये कहना कि एलोपैथी से जो मर रहे हैं, और एक बहुत ही दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, और मैं यूं कहता हूं बड़े गुस्से की बात है, देश को इस बात पे गुस्सा आना चाहिए, क्रोध इस बात पे आना चाहिए कि जिस समय लाला रामदेव ये कहता है कि भैया 1000 डॉक्टर 2 बार कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद मर गए, मतलब इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? मरे हैं कुछ डॉक्टर, उनकी डेथ हुई है, 2 बार वैक्सीन लेने के बाद भी हुई है, लेकिन 1000, इससे बड़ा झूठ? मैं समझता हूं इस तरह से पूरे देश को गुमराह करना और देश की एक ऐसी
जो मेडिकल एक ट्रीटमेंट है जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बचाई है, उसके विषय में भ्रम फैलाना, उसके विषय में झूठ बोलना, उसको अपमानित करना, उससे जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स को अपमानित करना, देश को अपमानित करना, दुनिया को अपमानित करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा जघन्य कोई अपराध होगा नहीं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं जानता हूं कोई कानूनी कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि भैया सनिया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा, तो मोदी जी उनके जिनके लिए उन्होंने जो काला धन लाने का प्रचार किया, और अब भी इस कोरोना में जिस तरह से सरकार फैल रही है उसको बचाने के लिए जिस तरह से लाशों पर ये राजनीति कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, जो लोग चले गए उनका मजाक बना रहे हैं, इससे भयानक स्थिति नहीं तो उनके खिलाफ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाबा रामदेव जो है एलोपैथी की दवाइयों को जो है नकारते हुए सामने आ रहे हैं, तो क्या अब जो है आईएमए को जो है रामदेव पर मुकदमा कर देना चाहिए झूठी अफवाह फैलाने के? नहीं, मैं तो कहता हूँ रामदेव पर केवल आयुर्वेद उनको आईएमए को ही नहीं सभी डॉक्टर्स को मुकदमा करना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूं, बल्कि देश के लोगों को मुकदमा करना चाहिए। जो लोग एलोपैथिक दवाई से ठीक हुए हैं उन सारे लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मतलब आप इस तरह से ये सारी चीजें कर रहे हैं, दुर्भाग्य इस बात का है। और मैं इससे भी बड़ी एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब तुमने ये बयान दिया है तो स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बाद अपना बयान वापस क्यों लिया? अगर हिम्मत थी तुम्हारी और तुम बिल्कुल सही थे तो जो बयान दिया था उसी बयान को रखना था ना, उसी बयान पर कायम रहते ना, कहते कि नहीं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, उसे सिद्ध करके दिखाते। लेकिन ये रामदेव इस तरह का व्यक्ति है कि जिसने बार 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 इस देश के लोगों का अपमान किया है। आप देख रहे हैं कि कोरोना से जिस भयानक तरीके से लोग मरे हैं, एक एक घर में तीन तीन लोगों की मौत हो गई, दो दो लोगों की मौत हो गई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब ये बकवास कर रहा है, मतलब जिस तरह की ये बातें कर रहा है। तो इस चीज को जरा, और हंस रहा है, कह रहा कि ले सिलेंडर, कहा तेरे अंदर जो दो सिलेंडर है ले ले जितनी ऑक्सीजन भरनी है, बाहर कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, और ये नहीं है, सिलेंडर नहीं है, मैं कहां भाग रहा है बावरे। और नकारात्मकता, ये इस तरह से पूरे देश को अपमानित करना, लोगों की भावनाओं को जले पर नमक छिड़ना, घाव पर छुरी चलाने जैसा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूं बख्शा नहीं जाना चाहिए और देश के लोगों को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का तो पाला हुआ है, सरकार के लिए तो वो काम ही कर रहा है, और उसके कितने ही जो उत्पादन है जो मानक जो भारतीय मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। तो क्या रामदेव जो है मोदी सरकार के एटीएम साबित होंगे? नहीं, निश्चित रूप से भाई एटीएम साबित हो ही सकता है, हो ही रहा है एटीएम, सरकार के लिए फंडिंग तो कर ही रहा है, सारी चीजें कर रहा है सरकार के लिए, आरएसएस के लिए, ये जो सारी चीजें हो रही, और किसके लिए है बताओ ना आप? क्यों आरएसएस सपोर्ट करता है, क्यों बीजेपी उसको सपोर्ट करता है, उसको क्यों सिक्योरिटी दी हुई है? अगर वो ऐसा ही सब कुछ है, इतना ही बड़ा वो है, ज्ञानी है और सबको बड़ा धर्मात्मा बनता है, क्यों सिक्योरिटी की जरूरत है उसे? सिक्योरिटी दे रखी ना सरकार ने उसको, ये जो सारी चीजें क्यों है, किस बात के लिए है? तो मैं ये मानता हूं, जिस देखिए आप अपने विषय में कह सकते हैं, आपकी अपनी दवाएं हैं, आप जो मन में आए कहें उसके लिए, उसमें भी आप देश को गुमराह नहीं करेंगे, आप सबूतों के साथ अपनी बात कहेंगे, तर्क पर तथ्यों पर बात कहेंगे, सच बात होगी वो कहेंगे, ऐसे ही नहीं कहेंगे। देश के लोग अनपढ़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोग कुछ जानते नहीं है, या देश के लोगों का आप जैसे चाहें झूठ बोल दें, गुमराह कर दें, ये नहीं कर सकते, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आप अपने विषय में बोल, सिर्फ अपने विषय में बोलिए, आप दूसरे के विषय में कैसे कह देंगे? एलोपैथिक ऐसी विधा है जिसने लोगों का करोड़ों नहीं, मैं कह सकता हूं करोड़ों अरबों लोगों का जीवन बचाया और बचा रही, लगातार बचा रही है, और वो बाकायदा साइंटिफिक उस पर आधारित है, रिसर्च होती है, सालों रिसर्च होती है, तब जाके बात होती है। लेकिन सर इसी बीच में जो है सर एक बड़ी खबर आज ये भी आई कि आईसीएमआर ने जो है कोरोनिल दवा को जो है मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो कोरोनिल किट है हरियाणा की जो सरकार है वो बांटने के लिए जो है मंगा रही है कुछ किट जो है। नहीं देखिए, मैंने तो बता दिया कि बीजेपी का तो आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी उसके करने के लिए है, उसका जो भी कुछ करने। आप ये बताइए कि जब स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब कोरोनिल का प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं और बाकायदा हाथ में लेकर उसका प्रचार कर रहे हैं,
और सरकार पूरी तरह से उसके साथ खड़ी है, तो क्यों नहीं ये सारी की सारी चीजें होंगी? भाई ये सारी चीजें तो होंगी, हरियाणा की सरकार मंगाएगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार में मंगाए, हो सकता है कर्नाटका की सरकार में मंगाए, हो सकता है गुजरात की सरकार में मंगाए, क्योंकि बीजेपी का तो आदमी है, तो धंधा है उनका, तो जिन लोगों का पैसा रामदेव के उसमें लगा है वो अपने धंधे की बात तो करेंगे, और उनके लिए मुखौटा है रामदेव है, धर्म है, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है।